हेलो गाइस, वेलकम है आप लोगों का। देखिए, हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो है सबसे सब स्पेस का डिफिनेशन देख लिया था, काफ़ी अच्छे से समझ लिया था हम लोगों ने। आई होप आपको भी समझ में आ गया होगा, और अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा तो जा करके देख लीजिए। और फिर हम लोगों ने एक थ्योरम भी किया था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्राइटेरियन भी बोलते हैं, फॉर ए नॉन वॉइड सबसेट टू बी ए सब स्पेस। ठीक है, कोई भी नॉन वॉइड सबसेट है आपका तो वो सब स्पेस कब कहलाएगा। इसके लिए हम लोगों ने जो एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है वो भी देखा था। ठीक है, और क्राइटेरिया भी देखिए काफ़ी इसका इंटरेस्टिंग है, काफ़ी सिंपल है। बस इसमें होना चाहिए कि कोई भी दो एलिमेंट आप अगर लेंगे उस सबसेट का, तो वो भी उसका डिफरेंस भी उसी का मेंबर होना चाहिए, और स्केलर मल्टीप्लीकेशन भी उसमें बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो ये इसका प्रूफ भी हम लोगों ने किया था, आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, आइए हम लोग सेकेंड थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, तो देखते हैं इसका सेकंड थ्योरम क्या है। ठीक है, ओके, देखिए यहाँ पे इसका आ गया ये सेकंड थ्योरम। देखिए, ये जो है हम लोगों का थ्योरम नंबर टू है। थ्योरम नंबर टू क्या है, इसका स्टेटमेंट देखिए। स्टेटमेंट है इसका, इसको हम लोग बोलते हैं अनदर क्राइटेरियन, ठीक है, फॉर ए नॉन वॉइड सबसेट टू बी ए सब स्पेस। सब स्पेस होने के लिए एक और भी हम लोग क्राइटेरिया के तौर पे ये थ्योरम देख रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या बोलता है कि अगर आपके पास में कोई भी, अगर आपके पास में वेक्टर स्पेस है ओवर ए फील्ड एफ, ठीक है, और एक आपके पास में नॉन वॉइड सबसेट है एस ऑफ बी, ठीक है, तो ये आपका सब स्पेस होगा। कब? इफ एंड ओनली इफ जब ये ए यू प्लस बी भी ये इसका एलिमेंट होगा। मैंने अब सिंपल क्या बात आ जा रही है, लीनियर कॉम्बिनेशन की। ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन का बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, सिंपली कि अगर यू और भी आप दो कोई एलिमेंट लेते हैं एस का, और ए और बी कोई दो एलिमेंट लेते हैं फील्ड से, और आप ये दिखा देते हैं कि ए यू प्लस बी भी ये भी एस का एलिमेंट है, तो कहानी ख़त्म हो जाता है। यहाँ से आपका ये साबित हो जाएगा कि एस जो है वो क्या है, सब स्पेस है। ठीक है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है ये थ्योरम, हम लोग इसको बहुत यूज़ भी करेंगे। तो आइए पहले इसका प्रूफ देखते हैं। ठीक है, प्रूफ देखिए इसका बहुत सिंपल है, और जो सिंपल प्रूफ है वो मैं आपको डायरेक्ट जो है समझाता हूँ पीडीएफ से। अगर थोड़ा मुश्किल प्रूफ होता तो मैं आपको उसको स्टेप बाय स्टेप हैंड राइटिंग से लिख करके दिखाता। ठीक है, लेकिन चलिए बहुत सिंपल है, इसको देख लेते हैं। तो देखिए, चूंकि इफ़ एंड ओनली इफ़ का केस है, तो हम लोग बारी बारी से सपोज करेंगे। पहले फॉरवर्ड पार्ट ले लेते हैं, सपोज कर लेते हैं फर्स्ट लेट एस बी ए सब स्पेस ऑफ बी। ठीक है, ये हम लोगों का हो गया। तो अब हमारा टास्क क्या हो गया, तो यहाँ से हमारा टास्क हो जाएगा टू शो दैट। ठीक है, टू शो दैट ये कि अगर इस हमने सब स्पेस लिया है, तो हमको ये दिखाना होगा कि ए यू प्लस बी भी, ए यू प्लस बी भी ये इसका एलिमेंट होगा जब कभी भी हम लोग यू और भी इसका लेंगे और ए और बी एफ का एलिमेंट लेंगे। ठीक है, ओके, तो ये मेरा टारगेट है। तो चलिए, अगर इस सब स्पेस है देन क्या होगा, देन सब स्पेस का डेफिनेशन हम लोग जानते हैं, सब स्पेस है तो इसका मतलब क्या है कि वो खुद एक वेक्टर स्पेस है। ठीक है, और अगर वेक्टर स्पेस है तो ए यू स्केलर मल्टीप्लीकेशन इसमें एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, यानी ए यू भी एस का मेंबर होगा, बी बी भी एस का मेंबर होगा, क्योंकि एस क्या है, खुद एक वेक्टर स्पेस है। ठीक है, फॉर ऑल यू भी बिलोंग टू एस एंड ए बी बिलोंग टू बी एफ। ठीक है, ये सिंपल यहाँ से आ गया। अगर एस आप सब स्पेस मानते हैं भी का, इसका मतलब है कि एस खुद एक वेक्टर स्पेस है, तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन दोनों का एग्जिस्ट करेगा। अब ये दो अलग अलग एलिमेंट है एस का, तो इनका सम भी क्या होगा, इसमें ही होगा, क्योंकि वेक्टर स्पेस का प्रॉपर्टी है कि कोई भी दो एलिमेंट का सम करेंगे तो वो वेक्टर स्पेस का ही एलिमेंट होता है। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा फॉर ऑल यू भी बिलोंग्स टू एस एंड ए बी बिलोंग टू एफ। यहाँ पे देखिए रीजन लिखा हुआ है यहाँ पे क्या, सिंस एस इज क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो हमारा देखिए यहाँ पे फर्स्ट पार्ट जो है प्रूफ हो गया। ठीक है, जो हमारा फॉरवर्ड पार्ट था, फॉरवर्ड पार्ट ये आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, अच्छा, अब चलिए हम लोग चलते हैं इसके कन्वर्स पार्ट में। तो कन्वर्सली देखिए फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कन्वर्सली अब हम लोग उल्टा सपोज करेंगे, मान लेते हैं कि एस मेरा कोई एक सबसेट है भी का, और ये लीनियर कॉम्बिनेशन एस में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, फॉर ऑल यू भी बिलोंग्स टू एस एंड फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एफ। तो अब हमको क्या दिखाना है, तो अब हमको यहाँ पे दिखाना है टू शो दैट, टू शो दैट क्या, एस इज ए सब स्पेस ऑफ
सब स्पेस ऑफ भी, अब ये मेरा टारगेट हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको दिखाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सिंस देखिए करना कुछ नहीं है क्योंकि एस के पास में लीनियर कॉम्बिनेशन है, ठीक है, तो हम लोग इसी का यूज़ करेंगे। स्केलर को वन और माइनस वन से रिप्लेस कर देते हैं, यानी ए को ले लेते हैं वन और बी को ले लेते हैं माइनस वन, ठीक है। तो हम लोग खुद ब खुद जब इसमें पुटअप करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बिलोंग्स टू एस, ठीक है, फॉर ऑल यू भी बिलोंग्स टू एस। अच्छा इसका वैल्यू ये क्या है, ये एक्चुअली ये है, ठीक है। तो अब आप नोटिस कीजिए कि ये आपका फर्स्ट जो है क्राइटेरिया है, देखेंगे आप, तो जो हम लोगों ने थ्योरम वन में प्रूफ किया था कि कोई अगर सब स्पेस है तो उसमें उसका जो दो एलिमेंट का डिफरेंस है वो भी उसी का एलिमेंट होगा, ठीक है। और जो दूसरा प्रॉपर्टी था वो भी हम लोग दिखा देते हैं, स्केलर मल्टीप्लीकेशन वाला, ठीक है। तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन वाला प्रॉपर्टी दिखाने के लिए हम लोगों को क्या करना है, देखिए अगेन जीरो बिलोंग्स टू एफ, अगर हम जीरो ले लें एक स्केलर और बी बी को रिप्लेस कर दें जीरो से, ठीक है, तो देखिए ए मेरा वही रहेगा, बी को जीरो से रिप्लेस कर दिया तो ए बी डेफिनेटली इसका मेंबर होगा, क्योंकि ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर ऑल ए बी एस का एलिमेंट है, तो फॉर ऑल यू बिलोंग्स टू एस एंड ए बिलोंग्स टू एफ ये आपका एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ क्या आ गया, ये आ गया। अब आप देखिए ये क्या है, ये आपका सेकेंड क्राइटेरिया है थ्यूरम का, फर्स्ट थ्यूरम का, जो ये बताता है कि एस क्या है, सब स्पेस है। तो फ्रॉम वन एंड टू हम लोग इसको कंक्लूड कर देंगे कि ये भी एस में है, ये भी एस में है, ठीक है, फॉर ऑल यू बिलोंग्स टू एस, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ, ठीक है। हेंस बाय थ्योरम वन, बाय थ्योरम वन के यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या, नेसेसरी एंड सफिशियंट क्राइटेरिया, ठीक है, जो नेसेसरी और सफिशियंट क्राइटेरिया है वहाँ से ये बात आ रही है, ठीक है। तो बाय थ्योरम वन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या, या आप लिख सकते हैं बाय नेसेसरी, ठीक है, एंड सफिशियंट क्राइटेरिया एस इज ए सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस एफ, ठीक है, ऐसे भी आप फिनिश कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि कितना इजी है, तो आई होप आपको ये भी काफ़ी अच्छा लगा होगा, ठीक है। अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, और इन दोनों को हमको याद कर लेना है बढ़िया से, हाँ। तो यहाँ पे जो समरी है मैं वो भी आपको बता देता हूँ, ठीक है, हम थोड़ा सा इसको समअप कर लेते हैं। यहाँ पे एक समरी याद रखिए, क्या समरी याद रखिए कि अगर आपको कोई एस है, सबसेट है भी का, ठीक है, ओवर फील्ड एफ, ठीक है, अगर हमको इसको दिखाना है वेक्टर स्पेस या वेक्टर सब स्पेस दिखाना है, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास में अब दो तरह का थ्योरम है। पहला ये कि हम ये दिखा दें कि यू भी बिलोंग्स टू एस है और ए यू बिलोंग्स टू एस है, ठीक है, फॉर ऑल यू भी बिलोंग्स टू एस एंड ए बिलोंग्स टू एफ, ठीक है, ये दिखा दें। या दूसरे पास पास दूसरा जो हमारे पास में हथियार है वो ये है कि हम लीनियर कॉम्बिनेशन जो है ए यू प्लस बी भी ये दिखा दें कि एस का एलिमेंट है, ठीक है, फॉर ऑल यू भी बिलोंग्स टू एस, ठीक है, एंड ए बी बिलोंग्स टू एफ। तो ये दोनों रिजल्ट अब आपको काम आने वाला है, इन दोनों रिजल्ट को आपको याद करके रखना है, ठीक है, क्योंकि हम इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग एग्जाम्पल्स देखेंगे वेक्टर स्पेस के, सब स्पेस के, कि कौन कौन सा सब स्पेस बनेगा, ठीक है। तो आप वन बाय वन करके नोट भी बनाइए बढ़िया से और पढ़ते जाइए, ठीक है। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, डेली बेसिस पे आपको वीडियोस मिल रहे हैं, ठीक है, इसको आपको देखते जाना है। तो आपका चाहे वो थ्योरी लेवल हो, बीएससी लेवल हो, या आपका कॉम्पटिशन हो, गेट नेट का एग्ज़ाम हो, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल बिल्डअप हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बने रहिए, थैंक यू।